नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब अगर किसी की चर्चा हो रही तो वो है बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की। अभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगले सत्र में मोदी सरकार इस कानून को ला सकती है, लेकिन इससे पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासत गर्मा गई। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुरादाबाद में कहा था कि संघ का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में आंदोलन करना है। हम हमेशा से दो बच्चों के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने यह कहा, काशी और मथुरा संघ के मुद्दे में ना थे और ना भविष्य में होने वाले हैं। संघ अब देश में दो बच्चे वाले कानून के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। मोहन भागवत ने यह बयान क्या दिया कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए। ओवैसी ने भागवत पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वो बेरोजगारी और बच्चों की खुदकुशी जैसी समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। ओवैसी ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग इन बच्चों को नौकरी नहीं दे सके, इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आरएसएस के कोई बड़े आदमी है कहते, उन्होंने बोले कि दो बच्चों पे कानून बनाना कानून। मैं उनको ये बता रहा हूं कि आप भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो किसी मुल्क में नहीं है। तो आप 5.5 साल में किसी एक को नौकरी नहीं दे सके, और इसीलिए आरएसएस के लोग बोल रहे, क्या बोल रहे, दो बच्चों का कानून बना दो। अच्छा, दो बच्चों का कानून बनाए तो क्या होता नहीं, क्या होता नहीं, होता क्या बोल रहा, दो बच्चों का कानून बनाना कहते भाई। भारत में जो 60% आबादी है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आरएसएस और मिस्टर मोदी, उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे, नौकरी नहीं दे सके। खैर, जब आज जनसंख्या पर रोक लगाने की सामने आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ ना बोले। ऐसा हुआ भी। ये बात जब गिरिराज सिंह के कानों में पहुंची तो उन्होंने कहा कि जब कानून बनेगा तो सबको मानना पड़ेगा। साथ ही अपील की कि लोग इसे धर्म या वोट के चश्मे से ना देखें, ये देश हित का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत की बढ़ती आबादी को देखने के बाद अब पूरा देश जागरूक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान देश के हित में दोषप्रसत है। खैर, अब देखना यह होगा कि इन दिनों जनसंख्या कानून को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या वाकई मोदी सरकार आने वाले सत्र में इस पर क्या कुछ फैसला लेने वाली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।